और बाकी दूसरा कौन है यहाँ पर? आवेजी साहब के 5 साल 2 महीने 5 साल में होते हैं क्या? आवेजी साहब से बोल रहे कि 2 महीने में मालेगांव आऊँगा, वो तो 5 साल के बाद आ रहे हैं, तो उनका 2 महीना 5 साल के बाद होता है क्या? तो मतलब आप इस बात से भी नाराज हैं कि उन्होंने वादा किया था कि यार 2 महीने वादा किया था, वादा निभाए नहीं ना, वही मैं बोल रहा हूँ कि 2 महीना 5 साल में होता है क्या? एक बार कहा था कि हर 2 महीने में मैं आऊंगा, मगर वो क्यों नहीं आए? मैं बिला जीजा इसकी वजाहत करता हूँ। वो इसलिए बोले थे कि अगर उनकी कारकर्दगी हमें नहीं समझ में आएंगी तो हम आएंगे और हर 2 महीने में उनसे हिसाब लेंगे। लेकिन उनको लगा, सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, उनको दिखा कि 5 सालों में इन्होंने बेशुमार काम किए, बस इसी वजह से वो है तो इत्मीनान बख्श तरीके से नहीं आ पाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो आज मालेगांव शहर में मौजूद है और उनका रोड शो जारी है। साथ में MLA मुफ्ती इस्माइल कासमी भी है, शिवाली महाराष्ट्र सदर डॉक्टर खालिद परवेज भी है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दीगर जिम्मेदारान भी है। और वो जो नहीं आए थे उन्हें तो इतना इत्मीनान था कि मुफ्ती साहब ने 5 साल में बेशुमार काम किए। ये जो मुफ्ती साहब ने 5 साल में कुछ भी नहीं काम किया, कुछ नहीं किया। ऑटर का जो आमदार है दादा भूसे 100 कोटी पास किया, उन्हें मुफ्ती इस्माइल ने 14 कोटी उधर डाले, बाकी के सब उधर डाल दिए और पूरा मालेगांव के लोग मुसलमान जो 90% है वो टैक्स भरेंगे। ये काम मुफ्ती इस्माइल ने किया है। दवाखाने सब उधर चले गए, सब दवाखाना जो मैंने शेख रशीद ने पास किया था वो सब उधर चले गए। ये मुफ्ती इस्माइल में काम सब पैसा ले लिया, काम कुछ भी नहीं किया उन्होंने। मुफ्ती साहब के काम इतने हैं ना कि आपको गिनाने बैठूंगा ना तो दिन निकल जाएगा। 4 से 5 गिना दीजिए। 4 से 5 बड़े बड़े काम मैं आपको बता रहा हूँ। ये अपना नेशनल हाईवे नंबर जो 3 है ना, 165 करोड़ का बजट लाए हो नितिन गडकरी से, वो काम चालू है। और एक नुमानी पुल का काम चालू है, ये सब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की मेहनत के समर है। और एक काम जो बड़ा है, चंका पुलने से मालेगांव पाइपलाइन डाली जा रही है, ये भी मुफ्ती साहब की देन है। और इससे पहले को ये लोग ने ऐसा काम किए नहीं, मालेगांव को बढ़ाना नंगा करके रखे थे, अभी मुफ्ती साहब उसको कपड़ा पहना रहे हैं। ऐसे काम है मुफ्ती साहब के।